दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार दिनकर कल्याण होम्योपैथी क्लिनिक जहानाबाद। दोस्तों आज वीडियो का विषय है एफोनिया यानी लॉस ऑफ वॉइस, गला बैठ जाना यानी गला से आवाज न निकलना। यदि गला में किसी तरह की बीमारी हो जाती है जिससे लैरिंग्स या वोकल कॉर्ड प्रभावित हो जाती है तो गला बैठ जाता है यानी गला से आवाज नहीं निकल पाता है। इसका कई कारण है, जैसे गला में किसी तरह का इंफेक्शन, सूजन या गला की बीमारी, गला में किसी तरह का ओवर ग्रोथ, लैरिंग्स की पैरालिसिस, गला में ठंड लग जाना या बहुत अधिक बोलने के कारण आवाज नहीं निकल पाता है या आवाज हॉर्सनेस हो जाता है। तो लॉस ऑफ वॉइस यानी एफोनिया का कुछ खास होम्योपैथी दवा को बताने जा रहा हूं। पहला दवा एकोनाइट। एकोनाइट 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि डर, क्रोध या इमोशन के कारण अचानक गला बैठ जाए या ठंड लगने के कारण लैरिंग्स में इंफ्लामेशन होकर आवाज न निकल पाए तो एकोनाइट 30 नंबर दो दो बूंद करके 4 बार सुबह, दोपहर, शाम, रात सेवन करेंगे तो एफोनिया यानी लॉस ऑफ वॉइस ठीक हो जाएगा। अगली दवा है एमोनियम कॉस्टिकम। एमोनियम कॉस्टिकम 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि गला में सर्दी का प्रभाव हो जाए या गला में पैरालिसिस हो जाए या गला में ट्यूमर या अधिक मात्रा में गला में बलगम निकलने लगे या गला में कच्चापन या जलन अनुभव हो और इसके साथ गला में आवाज न निकले यानी एफोनिया हो जाए तो अमोनियम कॉस्टिकम 30 नंबर दो दो बूंद करके 3 बार सुबह, दोपहर, शाम सेवन करेंगे तो लॉस ऑफ वॉइस ठीक हो जाएगा। अगली दवा है एंटेम्प्रोड। यदि अधिक बोलने के कारण आवाज चला जाए और आराम करने के बाद फिर आवाज आ जाए या गला से अधिक बलगम निकलता है या गला में ऐसा अनुभव हो कि गला में कुछ फंसा हुआ है और आवाज चला जाए तो एंटेम्प्रोड 200 नंबर दो दो बूंद करके 3 बार सुबह, दोपहर, शाम सेवन करेंगे तो एफोनिया यानी जो लॉस ऑफ वॉइस है वह ठीक हो जाएगा। अगली दवा है अर्जेंटम मेटालिकम। अर्जेंटम मेटालिकम 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि किसी वक्ता या सिंगर को बोलते बोलते अचानक आवाज निकलना बंद हो जाए या गला में सिकुड़न की तरह अनुभव हो या गला में कचापन अनुभव हो और ऐसा अनुभव हो कि गला में कुछ है या खांसी के साथ गला में सफेद चीनी के सीरा की तरह बलगम निकले तो अर्जेंटम मेटालिकम 30 नंबर दो दो बूंद करके 3 बार सुबह, दोपहर, शाम सेवन करेंगे तो एफोनिया यानी लॉस ऑफ वॉइस ठीक हो जाएगा। अगली दवा है अर्जेंटम नाइटिकम। अर्जेंटम नाइटिकम 30 नंबर का सेवन करेंगे। पुराना गला बैठने की बीमारी यानी यह जो लॉस ऑफ वॉइस है वह अधिक दिनों से है जिसे रात में सोने पर गला में घरघराहट की आवाज होती है और गला में गुदगुदी या खुजली या कच्चापन रहता है, खांसी के साथ कफ निकलता है जिसमें रक्त के कुछ कण पाया जाता है, ये सारा बीमारी जो रात को बढ़ता है, यदि इस तरह का सिम्टम है तो अर्जेंटम नाइटिकम 30 नंबर दो दो बूंद करके 3 बार सुबह, दोपहर, शाम सेवन करेंगे तो एफोनिया यानी लॉस ऑफ वॉइस ठीक हो जाएगा। अगली दवा है एरोमेट्रिफैलम। एरोमेट्रिफैलम 200 नंबर का सेवन करेंगे। यदि वक्ता या सिंगर जो बहुत अधिक बोलता है जिसके कारण आवाज बदल जाता है या आवाज गला से नहीं निकलता है तो एरोमेट्रिफैलम 200 नंबर दो दो बूंद करके 3 बार सुबह, दोपहर, शाम सेवन करेंगे तो एफोनिया हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ठीक हो जाएगा। अगली दवा है वाइटाकार। वाइटाकार 200 नंबर का सेवन करेंगे। जिसे नमी युक्त जगह में रहने के कारण आवाज बैठ जाता है या उसे बोलने के लिए बार बार गला खखारना पड़ता है जिससे ऐसा अनुभव होता है कि गला में धुआं की तरह कुछ भरा हुआ है तो वाइटा का 200 नंबर दो दो बूंद करके 2 बार सुबह शाम सेवन करेंगे तो एफोनिया यानी लॉस ऑफ वॉइस
ठीक हो जाएगा। अगली दवा है बेलाडोना। यदि किसी को अचानक आवाज निकलना बंद हो जाए या गला में खराश, सूखापन या छूने पर दर्द अनुभव हो, इसके साथ गला में सिकुड़न अनुभव होता है और ऐसा अनुभव होता है कि गला में कुछ अटका हुआ है और गला में अचानक लकवा हो जाने के कारण भी यदि लॉस ऑफ वॉइस हो जाता है तो बेलाडोना 30 नंबर दो दो गुन करके 4 बार सुबह, दोपहर, शाम, रात सेवन करेंगे तो वो एफोनिया यानी लॉस ऑफ वॉइस ठीक हो जाएगा। अगली दवा है कार्बोवेज। कार्बोवेज 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि श्वास नली या लैरिंग्स में कच्चापन अनुभव होता है और गला में सूखापन या गुदगुदी के साथ खांसी होती है, इसके साथ आवाज में हॉर्सनेस आ जाता है या गला से आवाज निकलता ही नहीं, जो सुबह के समय मौसम परिवर्तन होने पर बढ़ता है या शाम में बातचीत करने पर बढ़ता है, तो कार्बोवेज 30 नंबर दो दो बूंद करके 3 बार सुबह, दोपहर, शाम सेवन करेंगे तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस एफोनिया ठीक हो जाएगा। अगली दवा है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम 1 एम का सेवन करेंगे। लकवा या अचानक ठंड लगने के कारण लॉस ऑफ वॉइस हो जाता है। इसके साथ ही गला में जलन और खुशखुशी बना रहता है और लैरिंग्स की मांसपेशियों में कमजोरी अनुभव होता है या गायक या वक्ता जो अधिक बोलने के कारण आवाज लॉस हो जाता है, इसके साथ ही गला में ऐसा अनुभव होता है कि गला में कुछ अटका हुआ है और सूखी खांसी होती है जो शाम को बढ़ता है और ठंडा पानी पीने पर आराम मिलता है, तो कॉस्टिकम 1 mg सप्ताह में 1 दिन सेवन करेंगे तो ये जो लॉस ऑफ साउंड है वह ठीक हो जाएगा। दोस्तों अभी हमें जो भी लक्षण के आधार पर दवा बताएं उन दवाओं के साथ रेक्वेज का R45 नंबर का ड्रॉप आधे कप पानी के साथ 10-10 बूंद दवा 3 बार सुबह, दोपहर, शाम सेवन करेंगे तो एफोनिया यानी लॉस ऑफ वॉइस है या हॉर्सनेस वॉइस है वो बहुत जल्द रिकवर होगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो के अंत में आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि यदि अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।